गुरुग्राम के मानेसर इलाके में आज सुबह करीब 3 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 25,000 के दो इनामी बदमाशों को धर दबोचा। इस मुठभेड़ में पहले अमित नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने अमित के दोस्त दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों पर करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये दोनों बदमाश दीपावली के दिन कासन गांव में हुए हत्याकांड में भी शामिल थे। ये हम सबको पता है कि दिवाली पे कासन गांव में एक फायरिंग हुई थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ अपराधी पहले पकड़े गए थे और बाकियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें लगातार काम कर रही थी। तो क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद को ये सूचना मिली थी कि उसमें शामिल 2 लोग आज मानेसर में, वहाँ मानेसर से जो लांबी की तरफ, बांस लांबी की तरफ रास्ता जाता है, उस पर मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजरेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी टीम तैयार करके उनको प्रॉपर हिदायत देके और वहाँ पे नाकाबंदी की गई। और जब वो समय पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस बल पे ही मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की, और फिर पुलिस ने जब वो बैरिकेड लगाए, वो अनबैलेंस होके गिरे भी, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम अमित गांठ है, जो इस हत्याकांड का मेन सरगना रहा है, जिसने ही बाकी शूटरों को तालमेल करके और यहाँ पे लाके ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और पहले भी मानेसर में और गुड़गांव में कई जगह उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके संबंध में भी अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसकी विशेष पहचान ये थी, पहले भी जो वीडियो आए थे, कि ये दोनों हाथों से एक साथ फायर करता है। बड़ा खतरनाक किस्म का अपराधी है। दिल्ली, सोनीपत, बवाना, इस साइड में इसके बहुत सारे हत्या के प्रयास और लूट डकैती भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काफी लगभग 21 विभिन्न मुकदमों में ये वांटेड है और पकड़ा भी नहीं गया था। तो हम लगातार इसका पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और आज इसको इस तरह से काबू किया गया। और इसका जो दूसरा साथी था, जिसने भी पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसको हमने काबू किया है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो अमित गांठ, जिसको मुकाबले में इसको गोली लगी है, वो अभी उपचाराधीन है और उसको सफदरजंग रेफर किया गया है, वहां पे उसका इलाज चल रहा है। हम अब इस मुकदमे की और जो जिस मुकदमे 307 में जो ये इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और जो मर्डर केस था उसमें भी, और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की जा किया था उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जो मर्डर केस था उसमें भी और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की जा रही है और उसमें आगे की कार्रवाई। किसका नाम दीपक उर्फ बोलू है, ये भी बहुत सारे मुकदमों में शामिल रहा है और इन सारे जो यहाँ पे इन्होंने जो भी वारदात की है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, उनमें ये शामिल रहा है। ये लगातार बदमाशी में ही इनके साथ टच में रहा है और ये एक यूपी का कोई क्रिमिनल है, उसका भी रिश्तेदार है। तो काफी इस तरह के, और इन पे खास बात ये है कि दोनों पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 25,000 के इनाम की घोषणा कर रखी थी और ये पहले से वांटेड थे। और इन आज जो इन्होंने दो वेपन यूज किए थे, वो भी दोनों इनसे बरामद हुए हैं। 5 खाली खोल भी इनसे बरामद हुए हैं और जिस अपाचे मोटरसाइकिल पे सवार थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और वो भी सदर गुड़गांव के इलाके से चोरी थी। तो ये हमने इस पे काफी बेहतरीन काम करते हुए, हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 ने बढ़िया काम किया है, जिसके संबंध में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव जी IPS ने घोषणा की है कि इस पुलिस टीम को हम सम्मानित भी करेंगे, इनको प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। ये यूपी का रहने वाला है और ये जो अमित गांठ है ये दिल्ली का रहने वाला है। 21 मुकदमे दर्ज हैं
और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है, इनका हम पता कर रहे हैं कि भी और भी कहाँ कहाँ ये इसमें रहे हैं, लेकिन इनमें लगभग 8-9 के करीब तो मर्डर हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, लूट डकैती लगातार ये अब तक संगीन वारदातों को अंजाम देते आए। ये अमित गांठ तो 2017 से ही फरार है और ये पीछे गिरफ्तार भी हुआ था, दीपक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है ये, लेकिन अमित तो इस पूरे गिरोह का सरगना रहा है और रिंकू के साथ इसकी यारी दोस्ती थी, इस वजह से ही इसने ऑर्गेनाइज करके और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाइक के ऊपर हाँ, ये मैंने बताया ना, बाइक चोरी की थी और इस पे ये जो घूम रहे थे उस बाइक को हमने बरामद किया। सर क्या नहीं, अभी उसमें कुछ लोग बाकी हैं और उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि बीते 4 नवंबर को दीपावली की रात को गांव कासन में पूर्व सरपंच के घर हुए हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों को भी अमित उर्फ गांठ ही लेकर आया था। उस वारदात को अंजाम देने में ये दोनों बदमाश भी शामिल थे। गांव कासन के हत्याकांड में इन दोनों बदमाशों पर हरियाणा सरकार द्वारा 25-25 हजार रुपयों का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से ये बदमाश नोएडा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल व राजस्थान में फरारी काट रहे थे। बता दें कि पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल अपाचे, एक देशी कट्टा, एक पिस्टल और 5 खाली खोल बरामद किए हैं। आरोपी अमित उर्फ गांठ अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि उसका दोस्त दीपक उर्फ भोलू को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।